Hey guys, this is Shastor, आप देख रहे हो Tech Fiber. So, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हम लोग के Max Pro M1 के Android 10 अपडेट के बारे में. तो यहाँ पे एक अपडेट आ चुका है हम लोग के Max Pro M1 के लिए और ऑफिशियल जो Asus की साइट है वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक फर्मवेयर दिया गया है. आप लोग 10 से डाउनग्रेड कर सकते हो 9 के ऊपर और एक लिंक किस तरीके से क्रैक करके हम लोग को मिली है यहाँ पे Android 10 की. सो यहाँ पे एक अपडेट है 4-4 बिल्ड नंबर के साथ और यूजेज में थोड़ा बहुत अभी के लिए तो स्टेबल लग रहा है. मैंने अभी जस्ट इसको इंस्टॉल किया है, वीडियो बना रहा था. और चलो बता दो कि आप लोग कैसे अपने Zenfone Max Pro M1 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोग बता देता हूँ. आप लोग प्लीज़ अपने इंटरनेट स्टोरेज का बैकअप ले लेना और अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक रिकवरी वाले हैं उन लोगों के लिए ये मिला है. वो TWRP वालों के लिए जल्द से जल्द लिंक आ जाएगी, तभी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक दे दूंगा. आप लोग वहां से डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो या फिर ज्वाइन कर लो यार हम लोग के टेलीग्राम चैनल को जल्दी. सो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अपने फोन के अंदर से पिन पासवर्ड पैटर्न जो भी आप लोगों ने लगाया रहेगा वो सब निकाल दो. क्या पता आप लोग वापस से अगर बूट करो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे एक चीज यही कहूंगा, पासवर्ड सब चीज निकाल दो फिर बाद में आप लोग अपडेट करो. और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बता दो कि आप लोग कैसे इसको फ्लैश कर सकते हो अपने Max Pro M1 के ऊपर बड़ी आसानी से. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी गाइस, ये है मेरा Zenfone Max Pro M1 जो भी चल रहा है स्टॉक एंड्रॉयड पाई पे. और एक्चुअली ये लेटेस्ट वर्जन है 063 वाला, आप लोग देख सकते हो इधर. ये बिल्ड नंबर में आप लोग 063 दिख रहा है जो रिसेंटली आया था. और फाइनली अब यहाँ पे Android 10 का अपडेट आ चुका है जिसको मैंने डाउनलोड करके तो रख लिया है. आप लोग देख सकते हो ये रही डाउनलोड वाली फाइल. सो इसका बिल्ड नंबर है 424 और अब हम लोग इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसी अपडेट को. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और बता देता हूँ आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. वेल, इसकी लिंक मैं आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना. सो इसको आप लोगों को करना क्या है, ये डाउनलोड फोल्डर में अगर डाउनलोड होती है या फिर कहीं भी डाउनलोड होती है आपको इसको सेलेक्ट करके आप लोगों को इसको शिफ्ट करना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर बिना किसी फोल्डर के. सो यहाँ पर आप लोगों को मूव कर देना है सिर्फ और सिर्फ. और ये फाइल जैसे यहाँ पे आ जाती है, इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दो पहले. तो यहाँ पे मूव पूरी तरह से हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज के अंदर ये फाइल आ चुकी है. अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग एक बार रिबूट. वेल, अभी के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे दिख नहीं रहा, ना तो साइट के ऊपर ना यहाँ पे कोई OTA आया है. तो आई थिंक ये स्टेबल अपडेट है, इसको हम लोग एक बार फ्लैश कर लेते हैं. सो गाइज, अब मैंने यहाँ पे रिबूट कर लिया है और हम लोग वापस से बूट कर चुके हैं फ़ोन के अंदर. यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड. सो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आप लोग एक बार इंश्योर कर लेना कि आपके पास इनफ बैटरी हो. मेरे पास 74% बैटरी है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 30% के ऊपर बैटरी रखो. और अब हम लोग यहाँ पे अपडेट करना शुरू कर देते हैं. इंटरनल स्टोरेज का सारा सारा बैकअप ले लेना, क्या पता डिलीट हो जाए. तो ये रहा अपडेट का नोटिफिकेशन, मैं इसको टैप किया और फिर ये विंडो ओपन हो गई. अब यहाँ पे करेंगे ओके और अब हम लोग का फ़ोन यहाँ पे रिबूट हो जाएगा रिकवरी के अंदर, जहाँ पे सब कुछ अपडेट हो जाएगा एंड देन बाकी अपने आप ये सारा सारा प्रोसेस कर लेगा. तो इसको अभी हम लोग एक बार अपडेट होने देते हैं और फिर बाद में एक बार ध्यान देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई मिली हम लोगों को. सो गाइस, अब हम लोग वापस से बूट कर चुके हैं अपने फ़ोन के अंदर और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो चुका है काफ़ी सारी चीज़ें और थोड़ा सा वियर्ड लगा था पहले देखने में, लेकिन अब सही लग रहा है. सो यहाँ पे सिस्टम अपडेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसको एक बार हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने देते हैं. और एक और चीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग अभी एक बार रीसेट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और आप लोगों की मर्जी है आप लोगों को रीसेट करना है फिर नहीं. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं. फॉर एग्जांपल जो फाइल्स जो इसके अंदर इनबिल्ट मिलता था वो अब गूगल फाइल्स से रिप्लेस कर लिया गया है. और अगर चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे, सो अगर हम लोग जाएंगे अबाउट फ़ोन के अंदर और जाएंगे हम लोग एंड्रॉयड वर्जन. सो एंड्रॉयड वर्जन है 10, सिक्योरिटी पैच 5 अप्रैल का है और यहाँ पे गूगल पे सिस्टम अपडेट 9 मतलब कि सितंबर 2019 का दिखा रहा है. आई थिंक मुझे अपडेट करना होगा इसको. और यही था इस अपडेट के लिए और मुझे इसको चेक करना होगा एक बार. कैमरा इंटरफेस चेक कर लेते हैं कैसा मिल रहा है. सो यहाँ पे परमिशन मैनेजर तो एकदम एंड्रॉयड 10 वाला ही है. सो हम लोग को जैसे मैक्स प्रो M2 के अंदर जैसे कैमरा इंटरफेस देखने लिए मिलता था वैसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है. मैंने मैक्स प्रो M2 आई थिंक 2017 में यूज़ किया था, 2018 के आसपास, और वैसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेस लग रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं प्रो मोड में क्या दिया गया है. सो प्रो मोड अभी भी एकदम
उतना ग्रैनुलर कंट्रोल नहीं है प्रो मोड के अंदर, कुछ नहीं। चलते हम लोग यहाँ पे एक बार वीडियो मोड के अंदर, और यहाँ पे यस कैमरा तो मेरा काम कर रहा है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं। सो अभी हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पे लैग्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं। सो फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसको जल्द से जल्द सेटअप कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसी स्पीड है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फिंगरप्रिंट अनलॉक को। ये किया मैंने टैप और अनलॉक हो गया। कर लेंगे एक और बार टैप। फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ इस स्पीड से, मतलब कि जैसे टैप करो वैसे अनलॉक हो रहा है। ये किया मैंने टैप अनलॉक। अब बात कर लेते हैं एक बार फेस अनलॉक की। सो फेस अनलॉक में मैं सच बता रहा हूँ मेरे फेस पे भी उतनी ज़्यादा लाइट नहीं पड़ रही है, और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यस, इसकी भी स्पीड मुझे लग रहा है ठीक है। आई थिंक मुझे इसको वेल लिट एनवायरनमेंट में एक बार टेस्ट करना चाहिए। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं वाइड वाइन L1 का सपोर्ट। सो यहाँ पे मुझे एक बार कैस्ट्रो को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं, और यही चेक करा है मैंने कि अभी तक इसके ऊपर जो डार्क मोड है वो जैसे हम लोग को पिक्सल के अंदर डार्क मोड देखने के लिए मिलता है टोटली ब्लैक, वैसा नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा लाइट ग्रेश डार्क मोड है यहाँ पे। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे L1 की लाइट वाइड वाइन L1 की, तो यहाँ पे L3 अभी भी है, L1 अभी तक नहीं हुआ है। ये शायद से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने 10 बीटा इंस्टॉल किया था, क्या पता उसकी वजह से अभी तक फिक्स नहीं किया हो। लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन के ऊपर L3 है, और आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोगों के फ़ोन के ऊपर L3 रहने वाला। मैं एक बार चेक करके आप लोगों को एंड में बता दूंगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो है कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता ही होगा एंड्रॉइड 10 के अंदर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स करके एक आता है यहाँ पे सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर सेक्शन है, स्टाइल्स का पता नहीं स्टाइल्स इसके अंदर मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन आप लोग उसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप लोग जाओगे डेवलपर सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे आप लोग को इनेबल करना होगा इसको। सो एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर सबसे एंड में यहाँ पे आप लोगों को स्टाइल्स वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, तब फिर आप लोग इधर कलर्स चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन के। सो आई थिंक इतना ही रहेगा इस वीडियो के ऊपर, और अब इसके रिव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे 3 दिन बाद। सो यही था इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, इंस्टॉलेशन आप लोग एंड्रॉइड 10 का कुछ ऐसे कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरा टी एपीआई की, तो यहाँ पे मुझे इनेबल्ड मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स, L3 के ऊपर मेरा कैमरा टी एपीआई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइड वाइन की, तो यहाँ पे L3 अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इवन मैंने वीडियो के ऊपर भी दिखाया। सो आई डोंट नो ये कैसे है, लेकिन अब है तो है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं यही कहूँगा, आप लोग एक बार रीसेट कर लेना, क्या पता जो चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रही थी, फॉर एग्जांपल थोड़े बहुत लैग्स, वो शायद से फिक्स हो जाए। और इस वीडियो में बस नहीं था। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिव्यू के बारे में, इसके बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड्स के बारे में, वेल ये आज ही रिलीज हुआ है, तो फिर मैं आज के दिन तो पूरी तरह से टेस्ट करके इसको रिव्यू तो नहीं दे सकता। मुझे इसको 2-3 दिन पूरी तरह से टेस्ट करना होगा, इसके बाद ही मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को इस अपडेट के रिव्यू के लिए, या फिर कोई भी रॉम रिव्यू या फिर GSI रिव्यू या फिर ऐसे अपडेट रिव्यू जो आते रहेंगे उनके लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों को नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर रहो, स्टे सेफ, बाय।